तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं हूँ यहाँ पे, यह है गोपेश्वर। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक हफ्ते पहले आ गया था गोपेश्वर में। तो जिन्हें नहीं पता है कि गोपेश्वर कहाँ पड़ता है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और चमोली डिस्ट्रिक्ट का ये सुंदर सा गोपेश्वर, तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम बद्रीनाथ जाएंगे। मैंने मोस्टली टीवी में देखा है या फोटोज में देखा है, बट अब जो उसकी सुंदरता है और जो उसका वहाँ पे जो पीसफुल इन्वायरमेंट है, वो पहली बार देखने के लिए मिलेगा और महसूस करने के लिए मिलेगा। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, गोपेश्वर से। तो स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो अपनी, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम मतलब सुबह इतनी लेट उठे, हमें मतलब सुबह उठना था, 7 बजे तक उठना था, लेकिन मैं और मेरा भाई दोनों 8-8:30 बजे उठे। हम दोनों भाई ने पैकिंग करी वहाँ से और सीधा वहाँ से निकले, और सीधा अभी हमें यहाँ से अभी 3-4 जनों को पिक करना है जो हमारे साथ जाएंगे। तो अभी सीन ऐसा है कि हम यहाँ से गोपेश्वर से निकलेंगे जो जोशीमठ के लिए, जो कि पड़ता है ऑलमोस्ट 58 किलोमीटर पड़ता है दूर यहाँ से। तो बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अभी फोटो शूट करा रहे हैं, इनको आपने देखा होगा रुद्रनाथ वाले ट्रैक में, जो हमारे साथ इन्होंने ट्रैक करा था, वो 24 किलोमीटर का ट्रैक था ना। हाँ। और ये है हमारे भ्राता श्री। तो अभी हम वेट करते हैं जो आ रहे हैं, अभी फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको आगे मिलते हैं। गोपेश्वर से चमोली कितना दूर है? 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है आपको चमोली से गोपेश्वर, और वो नेशनल हाईवे है, तो अभी नेशनल हाईवे पे जाएंगे। वहाँ से करीबन आपका अप्रॉक्स 100 किलोमीटर बद्रीनाथ है। अभी हम हैं चमोली में, जो कि गोपेश्वर से पड़ता है 10 किलोमीटर दूर। जाने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे ये है यहाँ पे चमोलीपुरा मार्केट। यहाँ से अभी कितना दूर है भैया? 100 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, और एस्टिमेट कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटे लगेंगे। हाँ, इतना तो लग जाएगा आराम से, 3 घंटे से ऊपर भी लग सकते हैं। जाम देखते हैं कितना लगता है, क्या लगता है। तो ये जो आपको नदी दिख रही है ना, ये है अलकनंदा नदी, जो कि बद्रीनाथ से होकर आ रही है, ये वाली। तो गाइस अभी हम हैं चमोली में, हम किसी का वेट कर रहे हैं, भैया का एक जो कि करण प्रयाग से आने वाले हैं, उनको थोड़ा लेट हो चुका है वहाँ से आने में। तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चमोली में हो तो कैसे आप मतलब बद्रीनाथ जा सकते हो। पहले आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा जोशीमठ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट है 50 किलोमीटर दूर है। डिपेंड करता है, अगर आप सोलो ट्रिप मार रहे हो तो आपको यहाँ से मतलब एक मतलब टैक्सी में जाना पड़ेगा, या फिर एक यूटिलिटी कहते हैं जिससे यहाँ पे पहाड़ों में, उसमें जाना पड़ेगा, जिसका फेयर होगा ऑलमोस्ट 150-200 होगा जोशीमठ के लिए। तो जैसे आप जोशीमठ पहुंचोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जोशीमठ से आपको फिर से एक और टैक्सी लेनी पड़ेगी, फेयर पड़ेगा 100 रुपीज़ ही पड़ेगा, जिसका फेयर जो कि आपको सीधा बद्रीनाथ तक छोड़ेगी। और जो मेरे पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो इस नदी की है, ये देखो। बाकी अगर आपको जानना है कि मतलब पूरी डिटेल जाननी है कि देहरादून से आप कैसे बद्रीनाथ आ सकते हैं, तो मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तब तक हम वेट करते हैं, तब तक हम आपको आगे मिलते हैं जोशीमठ में। हिमाचली टोपी, और ये जिनके हम आज दर्शन करने जा रहे हैं, आज श्री बद्रीनाथ धाम के लिए हम प्रस्थान कर चुके हैं। और जो हम पहला जो हमारा स्टॉप है यहाँ पे, मतलब ये पीपल कोटी है, बाल विकास निगम का ये इधर साइड आप देख सकते हैं, ये गेस्ट हाउस है, और ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है। यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का आजकल जाम है, क्योंकि इस समय बद्रीनाथ की यात्रा में काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं हमें उनको जाते हुए, क्योंकि 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, तो काफ़ी लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे बद्रीनाथ की यात्रा, क्योंकि अब हम सुनेंगे कि खाली जी के साथ के, खाली जी क्या मानते हैं आप, बद्रीनाथ क्या है, मतलब क्या हिंदू में मतलब क्या है इसका महत्व। अगर कहते हैं कि पृथ्वी में अगर कहीं स्वर्ग है, तो कहते हैं वो बद्रीनाथ जा रहे हैं, अभी वो एक आ रहा है। और ये जो बद्रीनाथ का क्षेत्र था, पहले ये शिव क्षेत्र था, यहाँ पर शिव पार्वती जी रहते थे, और जब वो कभी स्नान करने के लिए जा रहे थे आकाश मार्ग में, तो ये एक शिशु के रूप में ये जो वर्तमान बद्रीनारायण हैं वो वहाँ पर आए और होने लगी। तो
पार्वती नारी हृदय होता है वो कहने लगी कि ये शिशु को छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं, इसको जो है यहाँ पर हम अपने जो निवास है इसको दे देंगे और इसको यहीं पर रखेंगे। तो शिव कहते भाई ऐसा तो करना नहीं है, ये तो बहुत परेशानी हो जाएगी, ऐसा करना तो बेकार है। लेकिन पार्वती कहते हैं तीन हट होते हैं, बाल हट, जोग हट और स्त्री हट, तो मानी नहीं और उन्होंने कहा नहीं नहीं इनको यहाँ पर जो है रखना है। तो फिर क्या होता है वो स्नान करने चले जाते हैं और उस शिशु को वहाँ अपनी गुफा में रख देते हैं। तो क्या होता है आगे चल करके वो जो है वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और शिव पार्वती को यह स्थान छोड़ना पड़ता है और वहीं वर्तमान में जो है बद्री विशाल जो है वहीं विराजमान हो जाते हैं, ऐसी कथा बताते हैं। अच्छा ये अभी हमारा ये पीपल कोटी आ गया स्टॉप है, जब हम चले थे गोपेश्वर से सुबह मॉर्निंग में, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट रहेगा गोपेश्वर के बाद हम चमोली आए थे, चमोली से अभी पीपल कोटी, और यहाँ पे आपको स्टे के लिए बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप मिल जाएगा, और अगर आप देहरादून से आ रहे हैं या हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपको वहाँ से भी यहाँ के लिए डायरेक्ट रोडवेज बसेज भी हैं जो पब्लिक बसेज चलती हैं और प्लस वॉल्वो भी चलती हैं, तो आप उससे भी यहाँ तक आ सकते हैं आराम से। और आपको कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि आप स्टे नहीं कर पाएँ, आप सब जगह स्टे के लिए आपके पास बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पर जहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे होटल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। बाकी अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा जोशीमठ। ये पूरा लग रहा है जैसे हम अभी कश्मीर में आ चुके हैं और ऐसे तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ और यहाँ से अभी भी हमारा मतलब 2 घंटे का सफर है जो कि है 45 किलोमीटर का बद्रीनाथ के लिए। ये है अभी जोशी मठ का मार्केट पूरा और इसके बाद पड़ेगा विष्णु प्रयाग, जो नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा वो है विष्णु प्रयाग का। और ये है वो हाथी पर्वत सामने, ये आपको दिखता होगा ये वाला। तो गाइस हम जोशी मठ से आगे आ चुके हैं, तो मेरे पीछे जो ये तो देख रहे हो पुल ये है विष्णु प्रयाग, ये रखो यहाँ से, ये अलकनंदा है, एक इससे आगे जाके वो दो नदियाँ एक साथ मिल जाती है, एक बद्रीनाथ से आती है, ये देखिए यहाँ से अलकनंदा, यहाँ देखिए ये, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मस्त नज़ारा। कुछ मालिक साहब और अभी भी 15 किलोमीटर बचा हुआ है बद्रीनाथ पहुंचने के लिए और यहाँ से अभी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हुई है, बीच बीच में कहीं पे मतलब पक्की रोड भी है। ये है वो डैम जो कि है जेपी डैम, ये लेंस इतनी मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाएगा जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। तो वो फील करने के लिए आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब वीडियो से तो देख ही सकते हो पर यहाँ पे आके खुद महसूस करना पड़ेगा कि कैसा सब कुछ दिखता है। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ, तो मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वो ये है जगह। तो मैं आपको बताता हूँ स्टे हम हॉस्टल में कर रहे हैं जो कि यहाँ पे पहाड़ियाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे ग्लेशियर से भरी ये देखो। तो मेरे को ठंडा इतना लग रहा है, मैंने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है ये,
खादी वाली शर्ट पहनी हुई है और इसमें भी ठंडा लग रहा है भाई ने स्वेटर पहनी है फिर भी ठंडा लग रहा है। तो मेरे हाथ बहुत कांप रहे चले सामने भीड़ हो सकता है। हेलो